दिल्ली में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी में एक सेंधमारी की है। 5 पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले गए हैं। सौरभ भारद्वाज जी मेरे साथ हैं। सौरभ जी, पहले पूर्व मंत्री, विधायक और अब 5 पार्षद। देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे सांसदों को, पार्षदों को, विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मुंह फुला लेती थी कि नहीं, हम तो कोशिश नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हैं। अब बता दो, हमारे तो जब मंत्री के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, हमने तभी कहना शुरू कर दिया था भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है। फिर उन्होंने जब यहाँ से रेजिग्नेशन दिया, तब मैंने बता दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, तब भी मुंह फुला लिया था भारतीय जनता पार्टी, नहीं जी नहीं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और ईडी का केस जो है अब उनके ऊपर धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सब तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर जगह करने की कोशिश कर रही है। आप कह रहे डर का माहौल है, वो डर क्या एजेंसीज का मान रहे हो, किसी और चीज का मान रहे हो? देखिए, एजेंसीज का भी डर है। अब आप देखिए ना, जब 1100 पेड़ इलीगली काट दिए गए, किसी अफसर की हिम्मत नहीं कि वो एलजी को ये बता दें कि आप ये इलीगल काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं पार्षद तो बहुत छोटी मोटी चीज है। जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने, आगे जाके मेयर के चुनाव होने, फिर विधानसभा, लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये है कि सहानुभूति मिलेगी हमको लोगों की, लोग ये बात समझेंगे कि देखिए, इनके बेचारे नेता को जेल में बंद कर दिया, इनके तमाम नेताओं को बंद कर दिया, इनको पार्टी का ऑफिस छीन लिया, इनकी सरकार के ऊपर रोज हमले कर रहे हैं, इनके ऊपर रोज इंक्वायरियां कर रहे हैं, और अब जो है इनके विधायक तोड़ रहे हैं, इनके पार्षद तोड़ रहे हैं, तो जनता हमारे साथ आएगी। हरियाणा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जो 1 अक्टूबर को होने हैं उसे टाल दीजिए, क्योंकि छुट्टी वाला टाइम होगा, लोग कम वोटिंग करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी सवाल है कि भाई, वो तो तुम टाल दोगे, मगर तुम लोगों ने तो वो जो है बाबा राम रहीम की जमानत करा ली है, अब वो पेरोल पे ले आए हो तुम बाहर पे, तो वो तो हर चुनाव से बिल्कुल पहले आते हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं, अब वो तो बाहर आ गए और तुम चुनाव टाल दोगे, फिर ये कैसे होगा? फिर दोबारा करानी पड़ेगी तुम्हें। तो ये भी देख लो, मेरी भारतीय जनता पार्टी को यही है कि भाई, उसको भी देख लो कि वो दोबारा फिर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे बाहर। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, टालते हैं या मांग है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका अपना चुनाव आयोग है, ये जब चाहे कराएंगे, हमारे कहने से कुछ फर्क कोई ना पड़ता। आखिरी सवाल, आप बहुत समय से आम आदमी पार्टी सवाल खड़ी करते रही है और सवाल की मांग की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आए, लेकिन सरकार अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार बैकफुट पे है, सरकार को पता है कि उनकी योजनाएं लोगों में पसंद नहीं की जा रही, न्यू पेंशन स्कीम का ढोल कितना ही बजाया, लोगों को पता है कि ये गलत है, ऐसे ही अग्निवीर का ढोल ये लगातार बजा रहे हैं, आप आज सुन लो, ये उसको भी वापस लेंगे। और पेंशन स्कीम जो हम कह रहे हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम पे सरकार को आना पड़ेगा, और अगर सरकार उस पर नहीं आई तो सरकार को जाना पड़ेगा। बात करने के लिए शुक्रिया। वीडियो के राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने भारतवर्ष दिल्ली।